हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं मोगलाई परोटा, इसे आप एक्स्ट्रा पराठा भी बोल सकते हैं। इसे बनाना काफी आसान है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम मैदा ले लेंगे, मैदे में नमक और तेल ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसका अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेंगे। देखिए मेरा डो तैयार है, इसे मैं 5 मिनट गून लूंगी। ये गूनकर तैयार है, इसे अब तेल से ग्रीस करके साइड में 20 मिनट के लिए रख देंगे। चलिए एक की स्टफिंग बना लेते हैं। मैंने 4 अंडे ले लिए हैं, उसमें प्याज ऐड कर दूंगी, हरी मिर्चें, कोरिएंडर लीव्स, नमक, काली मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अगर आपको इसमें दूसरे सब्जियां भी ऐड करने हो तो आप ऐड कर सकते हैं, मुझे तो ये ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। 20 मिनट भी हो चुका है, अब हम आटे को निकाल के एक बार 2 मिनट के लिए गूंद लेंगे और इसकी छोटी छोटी लुइयां निकाल लेंगे। देखिए मैंने सब सेम साइज के लुइयां निकाल लिया है, अब इसे हम बेलना शुरू करेंगे। मैं इसे तेल से बेलूंगी, आप इसे आटे से भी बेल सकते हैं। इसे पतला बेलना है और थोड़ा बड़ा बेलना है। देखिए ये तैयार है, अब इसे हम तवे पे डाल देंगे। देखिए रोटी हल्की सी हो चुकी है, अब इसमें हम एक की स्टफिंग डाल देंगे। इसे अच्छे से फैला लेंगे और साइड्स को फोल्ड करने लग जाएंगे, इसे स्क्वायर शेप देंगे। इसे साइड से हम तेल ऐड कर लेंगे। मैं बीच में थोड़ा अंडे का बैटर लगा रही हूँ ताकि इसे वो चिपका रहे। अब इसे मैंने पलट लिया है और तेल ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। देखिए इसका कलर गोल्डन और क्रिस्पी हो चुका है, ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो चलिए दूसरा भी बना लेते हैं। इसे सेम प्रोसेस से बनाना है, बस मैं इसका शेप अलग दे रही हूँ। इसे भी अच्छी तरह से पकाइएगा। ये भी तैयार हो चुका है, तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। मैं इसे साइड में सलाद के साथ सर्व करूंगी। मैं आपको एक पराठा काट के दिखाती हूँ, ये अंदर से कैसे दिखते हैं। ये देखिए, ये खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। ऐसी मजेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।